फूड सेफ्टी अते स्टैट एक्ट ऑफ इंडिया दी गाइडलाइंस अते फूड सेफ्टी कमिश्नर पंजाब दी हिदायतां मुताबक मिशन तंदुरुस्त पंजाब अधीन आने वाले त्योहारां दे सीजन नूं ध्यान विच रखदिआं लोकां नूं साफ सुथरा ते म्यारी खाद पदार्थ उपलब्ध करवाउण लई फूड बिजनेस ओपरेटर जो मिठाइयां नाल संबंधित हन उन्हां नूं खुल्लियां मिठाइयां दी बेस्ट बिफोर डेट नूं दर्शाउणा 1 अक्तूबर तों लाजमी होवेगा। देखो होशियारपुर तों पत्रकार गुरदीप सिंह दी रिपोर्ट। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੀਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੈਟਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਮਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ कि उन्होंने अपना बेस्ट बिफोर डेट जी मैनशन करनी पेगी। वो अपने नाल लगता मैनशन करे कि कदों इन तैयार किया गया तो कदों तक यदि गुणवत्ता बनी रहेगी, क्योंकि क्योंकि देखा गया कि जड़िया मिठाइया आ जो उन्होंने कुछ टाइम पास हो जाता तो उन्होंने बैक्टीरिया फंगस तो होर कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम मतलब डिवेलप हो जाते हैं। जे उन्होंने उस टाइम तो बाद कंज्यूम किया जाए तो वह मतलब हैल्थ के इल इफेक्ट अपने शो कर रहे। मैं गल पुछनी चाहता सर, जिदा उन्होंने ट्रे के मिठाई रख ली है, वो ट्रे के उत्ते कोई स्टिकर लाया जाऊगा या मिठाई से स्टिकर लाया जाऊगा या डब्बे च पैक की जाऊगी, किस तरीके डेट ऑफ एक्सपायरी मनोगे? बिल्कुल, जोड़ा भी डब्बा डब्बे चो सर्व करते हैं लूज जी है लूज डब्बे पानी पेगी, ठीक है, डब्बे सर्व करते हैं उत्ते उन्होंने डेट ऑफ बेस्ट बिफोर जी लिखनी पेगी मैनशन करनी पे। जे कोई 22 बजे मान लो कि मिठाई तो उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, फिर अगर वो जे दे देता गाह ग्राहक दे देता फिर तुम जो नहीं फिर भी दे देता फिर उ कार्रवाई कर निश्चित ही उसते मतलब जो भी कानूनी कार्रवाई जे जो भी ला के मुताबिक होगा उन्होंने मतलब देखा जाऊगा फूड लसेंस, क्योंकि वह खाण पीन वाली चीज़ की गुणवत्ता रख नहीं छड़िया सकिया, फंगस लगी है जो उल्ली है क्वालिटी चैक करके उन्होंने दसाया जाएगा कि तू बी एक्सपायरी डेट के बाद भी ये बेची जाना, जिहड़ा कि मतलब लोगों की सेहत लिए खिलवाड़ आ उहदा बकायदा फूड लसेंस या रजिस्ट्रेशन देखी जाऊगी, वो शॉप के अंदर क्लीनलीनेस देखी जाऊगी, अगर वह नहीं मतलब हैगा वधिया ढंग नाल कीता होया उन्हें फिर वह उस टाइम पर आप लसेंस या रजिस्ट्रेशन कैंसल करांगे, उहदे तों उन्हें नोटिस कढ़ांगे, अगर फिर भी वो अपनी मतलब क्वालिटी सुधार नहीं लिया और बेस्ट बिफोर नहीं लिखता वो अपने की मिठाई के डब्बे से फिर वो जी दुकान आप सील कर। बिल्कुल उत्ते सेम यही एक्शन लैंदा लवेंगे आप, मतलब जी फूड लसेंस है वो तो इशू किया कैंसल करांगे, नोटिस देवांगे उन्हें एक चांस देवांगे, ठीक है ना, जे अगर उन्हें बहुत ही मतलब ज़्यादा घटिया क्वालिटी की मतलब जिस फंगस लगी हुई है ये वो या एक्सपायरी डेट लिखी कि उन्हें मतलब घाटा लगी हुई है फंगस उस फिर भी वह मतलब जो लसेंस कैंसल करके सील करा। किन्ने दिन मठियाई जी किन्ने दिन एक्सपायरी डेट जी अज मठियाई बनी हाउ मैनी डे किन्ने दिन एक्सपायर? देखो ये मतलब बख बख चीज जो मिल्क प्रोडक्ट के नाल बनी हुई हूँ जिमें कि बेचते हैं जी मिल्क के होंगे मतलब कई तरह की मठियाई जी भी हैगी टैंपरेचर जे तो टैंपरेचर के नाल थोड़े दिन ज्यादा निकल सकती, अगर वो बाहर रखी है जो कुछ भी रखी है मिल्क प्रोडक्ट जे थोड़े दिनों के मतलब वो खराब हो जाते हैं। सो ये गाइडलाइन आप इशू कर देनी है, गाइडलाइनस बकायदा मतलब FSSAI जी अथॉरिटी हैगी ना साड़ी उन्होंने ये गाइडलाइन दी हुई हैं, तुम गूगल पर जाके तो सारिया गाइडलाइनस मिल जाएगी। ठीक है।